इतना ज़्यादा गिर चुका था कि जो मतलब ऐसे होते हैं न्यूज़ चैनल वाले जो बताते हैं कि भाई ये है, मैं उनके पास तक पहुंच गया था कि भाई मैं यूट्यूबर। सो हेलो भाई, क्या हाल चाल है भाई? आज की जो वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं है, ठीक है? ये है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा और मैं कौन हूँ, ठीक है? और मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर कैसे और व्यूज़ ऐसे कैसे, मतलब चल क्या रहा है? मैं रोज़ मेहनत कर रहा हूँ, मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब एक वो है ना कि मेरी प्लेस क्या चीज़ है और मैं हूँ कौन जो आप मुझे देखोगे, भाई मेरे बारे में जाना क्या आपने, ठीक है? मैंने क्या करा, मैंने अचानक से मेरा फर्स्ट व्लॉग डाला, ठीक है? उस टाइम को आप मुझे नहीं जानते थे भाई, मुझे कोई भी नहीं जानता था, ठीक है? आप क्या, मुझे कोई भी नहीं जानता था, पर आज ऐसा है मुझे सब जानते हैं, ठीक है? सब क्या मतलब, मैं कॉलेज में हूँ भाई, कॉलेज में तो मुझे सब जानते हैं। अभी एक फेट हुई थी तुम्हारे भाई ने, उसमें भी सबको बताया कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, बट मेरे बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को पता ही नहीं, ठीक है? बट पहले मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, सबसे पहले, ठीक है? देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? और यूट्यूब का ख्याल मुझे बहुत टाइम से था भाई, यूट्यूब का ख्याल मुझे बहुत टाइम से था। ऐसे नहीं है कि मैं अचानक से आया यूट्यूब पर, या फिर मैंने बस सोचा कि यार चलो वीडियो बनाते हो, मैं लग गया, नहीं। मैं 4 साल, ठीक है, मुझे 4 साल लगे वापिस आने में यूट्यूब पर, 4 साल भाई मायने रखते हैं 4 साल, ठीक है? पहले मेरा चैनल था भाई दाद चोकर्स नाम से, वो मैं अपना नहीं बता सकता क्योंकि वो 3-4 लोगों का मर्ज चैनल था और हम उसमें थोड़ी फ़नी कंटेंट वाली वीडियो बनाया करते थे। बट होता है यार, कुछ फ्रेंड में थोड़ी लड़क झड़क या फिर थोड़ा हो जाता है यार कि मतलब वीडियो नहीं बनानी, या कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ, तो उस वजह से ग्रुप टूट जाता है, ठीक है? बट उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मुझे आगे ये चीज़ भी करनी है, मुझे ये चीज़ करनी होगी, ठीक है? अभी क्या है भाई, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, ठीक? मैंने अपनी लाइफ का जो मैंने स्कूलिंग स्टार्ट करी थी, मैंने ICSE बोर्ड से करी, ठीक है? मैंने जैसे बताया, मैं पढ़ने में तो मैं अच्छा था ही, ठीक है? साफ सीधी बात है, पढ़ने में अच्छा नहीं था, अब हो गया हूँ थोड़ा बहुत, वो भी एवरेज हूँ। तो भाई मैं शुरुआत में थोड़ा अच्छा था, मैं लाइफ में कई बार फेल हुआ, ठीक है? लाइफ में क्या, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो मैं अपनी स्कूल लाइफ में भी 2 बार फेल हुआ, 2 बार। फोर्थ में फेल हुआ था, फिफ्थ में फेल हुआ था। जब मैं पहली बार फेल हुआ था ना भाई फोर्थ में, तब तो कुछ ऐसा रिएक्शन था नहीं कि भाई चलो लड़का फेल हो गया, फिर से एडमिशन करा देते हैं, बेइज्जती होती है, ठीक है? फेल होना मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा बेइज्जती है। फिर भाई मैं फिफ्थ में भी हो गया, जब फिफ्थ में हुआ तो मुझे स्कूल वालों ने स्कूल से बाहर आउट कर दिया, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं खुद निकला, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं, स्कूल का नाम नहीं लेना चाहिए, कि मैं लूँगा भी नहीं भाई, क्योंकि वो मैं उस काबिल नहीं था, मैं उस स्कूल के काबिल नहीं था, मैं उस पढ़ाई के काबिल नहीं था जिस लेवल की वहाँ पे पढ़ाई होती थी। उसके बाद क्या था भाई, घर वालों को भी लगने लग गया कि भाई बेकार है, क्यों पढ़ाई वढ़ाई के, घर वाले भी बोलते कि भाई अब पढ़ने का नहीं, छुटवा देंगे सर। मैं भी टेंशन में था कि भाई अब क्या ही होगा लाइफ में। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ में फेल हो गया, दोबारा दोबारा करी, ठीक है? फिर मैं आया यहाँ CBSE बोर्ड, एक स्कूल है, मैं दिखाता भी रहता हूँ व्लॉग में, ठीक है? मैं वहाँ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी हल्के 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 करके, और मेरे में सुधार आया, फिर मैं फेल नहीं हुआ, हाँ ठीक है, फिर मैं फेल नहीं हुआ। और भाई सही बता रहा हूँ, आज मैं ना सही हूँ, यहाँ भी हूँ, और एक अच्छा स्टूडेंट भी हूँ, एक ब्लॉगर भी मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, यूट्यूबर भी, जो कि मेरी चाहत है। मैं हूँ नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, एट द पॉइंट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? तो बस मुझे भी होता ही है भाई, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो तो लगाव होने लगता है, मुझे भी ऐसे हो गया था, मुझे होता है नहीं तुम्हें लगाव, प्यार नाम की जो चीज़ खा जाती है ना इंसान को, वो रहा था 9th 10th तक, बट फिर हट गया। फिर उसके बाद 11th 12th हुआ, 11th 12th में हुआ, फिर हट गया। तो जब वो 12th का निकला किस्सा, तो ये बंदा पूरा टूट चुका था, ठीक है? रियल लाइफ स्टोरी बतानी है तो थोड़ी सी वो भी होगी, बट मज़ा आएगा कि भाई, ठीक है?
टूट गया था। और भाई क्या बताऊँ, बस हो जाता है लाइफ में ना कभी कभी गलत डिसीज़न, क्या वो सबकी लाइफ में होता है यार। कुछ मजबूरी होती है और कुछ टाइम गलत हो जाता है, चल कोई बात नहीं। वह उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यूट्यूब पे देखता था कि मतलब जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं भाई ये निकल रहे हैं, फिर मुझे अपने वो पुराने दिन याद आते थे कि यार हम भी कभी यूट्यूब पे मिल के वीडियो बनाया करते थे। और अब भाई मेरी 12th हो चुकी है तो मेरा बहुत मन होता था कि मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाई भी, मैंने डाली भी, ठीक है। मैं बेसिकली मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता था भाई। 18,000 तो अभी तक तो नहीं टिकते, मुझे 8 महीने हो चुके हैं भाई ब्लॉगिंग करते करते। मेरे चैनल पे देख जाके चेक कर देना अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, ठीक है। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, सब्सक्राइबर तो हो गए। मैंने उसके अगले ही दिन मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि भाई मैं यहाँ से यहाँ से फर्स्ट व्लॉग डाला। उसके बाद से भाई ये था कि मेरा यार मुझे इसमें कुछ तो करना है भाई, कुछ तो करना। अभी मैं रोज़ डालता हूँ रोज़। और ये वीडियो का मकसद ये है कि भाई लोग मेरे बारे में कम से कम यार ये तो जान लें कि ये बंदा है कौन, क्यों कर रहा है, कर क्यों रहा है, क्या है जो ये रोज़ वीडियो डालता है, क्या है जो ये रोज़ नोटिफिकेशन आती है इसके नाम की, क्या है जो व्यूज़ नहीं आ रहे। देखो व्यूज़ का तो भाई आप ही लोग बता सकते हो, ठीक है। मेरे को मैं अपनी मेहनत फुल कर रहा हूँ मेरी तरफ से, आपकी तरफ से मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मैं इतना गिर चुका था इसमें इतना ज़्यादा गिर चुका था कि जो मतलब ऐसे होते हैं न्यूज़ चैनल वाले जो बताते हैं कि भाई ये है, मैं उनके पास तक पहुंच गया था कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, आप मेरे बारे में बताओ, मेरे 18,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं ऐसे ऐसे व्लॉगर हूँ, तूने मुझे ये की बात की भाई तो तुमने करा क्या, तुम्हारी वीडियो पे तो इतने से भी व्यूज़ हैं। उनकी बात बहुत सही थी कि तुमने करा क्या, मेरे ना चैनल पे व्यूज़ हैं ना सब्सक्राइबर आ गए, वो शॉर्ट्स आ गए। वो भी भैया गए तो फेक तो नहीं है भाई, लगते हैं फेक हैं बट है नहीं, शॉर्ट्स आए भाई, कुछ किस्मत होती है। और अब भी क्या भाई, मैं रेगुलर वीडियो डाल लूँ ना तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि पब्लिक मुझे जानती है, पब्लिक मुझे जानेगी तभी वो मेरे बारे में पहचानेगी भाई बंदा है कौन, ये क्यों कर रहा है सब चीज़ें। बस यही मेन मकसद है भाई मेरा ये वीडियो बनाने का, मैं लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है। बट होता है ना यार, सच्ची कहानी बताओ तो मज़ा आता है, बना के बताऊँगा तो नहीं आएगा, वो मैं रुक जाता। तो है तो भाई बचपन से ना मैं फेलियर ही फेस करता रहा हूँ भाई, 2 साल में फेल होना समझ रहे हो। घर वालों कहता भाई पढ़ाई छुटवा दी तेरी, उसके बाद उठा यूट्यूब पे भाई 4 साल पहले चैनल कोई खोला था, आज खोला। हार नहीं मानूंगा, बस मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक। क्योंकि हार मानने के लिए मैं कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करता। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि भाई लोग जाने तो ये बंदा कौन है, मैं क्यों बना रहा है वीडियो, क्यों इसके नाम की नोटिफिकेशन आ गई। भाई मैं बनाता रहूँगा, मैं रोज़ बनाऊँगा और आपको मेरे साथ मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। मेरी डेली लाइफ ब्लॉग देख के मैं थोड़ा फनी कंटेंट लाता हूँ, थोड़ा ऐसे लाता हूँ, थोड़ा मतलब जो मुझसे होगा ना भाई यूट्यूब पे वो मैं करूँगा। बट आज मैंने खुद को दिखाया है, ये मेरे लिए बहुत 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 अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात मेरे में घबराहट नहीं है, ठीक है। होती है ना कि भाई यार मुझे डर लग रहा है भाई कैमरे के सामने, मुझे डर लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे में एक कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों से मिला, मुझे यहीं से मिला है। मुझे लोग पूछते हैं कि भाई तूने करा क्या, तूने ऐसा क्या है कि भाई तू डरता नहीं, तू पब्लिक फेस करता एकदम। फिर मैं उन्हें बताता हूँ भाई देखो मुझे इसमें इसी लाइन में जाना है, अगर भाई मैं क्रिएटर हूँ अगर उन लोगों का क्या होगा जो मुझे देख रहे हैं लगातार, और फिर उनको ले गए इसने हार मान ली, फिर भाई इसने हार मान ली तो भाई हम क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। मैंने वो लोग देखे हैं जो साल साल कर रहे हैं और छोड़ दिया, मेरी उन लोगों से भी बात होती है भाई, मैं हर उसमें रहता हूँ कि भाई मेरी पब्लिक से बात हो। मीगल मैं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम मैं चलाता हूँ, लाइव में आता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों से बात कर चुकूँ कि भाई लाइफ में चल क्या रहा है और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सेक्रीफाइस करे हैं, क्या वो भी कभी सीरियस हुए थे इस प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ देखने के लिए। तो भाई बस इतना यार, वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं खिंचाऊँगा, ये समझ गए होंगे कि भाई बंदा क्या है, समझ गए इतने से। तो भाई ठीक है।
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। नया ब्लॉग आएगा, कल ही आएगा, जब कल ही आएगा, रुकेगा नहीं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, लव यू, और मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना, याद रखना। मुझे किसी ने बात कही थी रिसेंटली, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं भाई। ठीक है, आप सोचते ना शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट कब लॉन्ग कट में बदल जाए ना, लाइफ पलट जाती है। इसलिए लाइफ में कभी शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि एक मेहनत ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वरना हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट